वर्षा हमारा बच्चा है और हम उसका ख्याल रख सकते हैं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। नहीं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सोहम को मुझे लौटा दे, मेरे सोहम को। सोहम, तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे। सुन मैं सोहम को वापस नहीं कर सकती ना, तो मुझे मार दो, मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो, मुझे मार दो। सोहम, हाय, बोलो ना, क्या हो? सतीश, लेके आई थी। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश हुए। इन्हें एडमिट कर लो, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, मैं सविता ही बोल रही हूँ। वर्षा को अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? क्यों? क्या हुआ उसे? नहीं, क्या हुआ वो पता नहीं तू, लेकिन चल, जल्दी जल्दी चले आना बेटा। किस हॉस्पिटल में ले गए उसको? सिटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, देखिए हमने वर्षा का चेकअप किया है, फिजिकल रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी फोन करके एक साइकेट्रिस्ट को बुला लिया है, वो अभी आते ही होंगे, तब तक आप यहीं इंतजार कीजिए, ओके? क्या हुआ वर्षा? सतीश, वो वर्षा घर पर आई थी सोहम को लेने के लिए, तो हम लोगों ने उसे मना कर दिया और मानव और उसके बीच थोड़ी सी अनबन हो गई और वो चक्कर आकर वहीं गिर गई। तो सब क्या हुआ वर्षा? एक्चुअली ये एक मेंटल डिसऑर्डर का केस है, अगर पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है और इस बात की भी संभावना है बहुत है कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाए। इसका कुछ इलाज तो होगा? इसका सिर्फ एक ही इलाज है और उस इलाज के द्वारा ही वर्षा ठीक हो सकती है, और वो इलाज है जिस बच्चे के कारण उसकी ये हालत हुई है, वो बच्चा अगर उसको दे दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब, मैं अपना बच्चा क्यों दूंगा? देखिए, आपके पास वर्षा को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मैं अपना बच्चा उसको नहीं दूंगा, और ये बात आप सब कान खोल के सुन लीजिए, आखिरी बार बोल रहा हूं।